मौसमा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बाद फ्लाइट्स ऑपरेशन ताहाल मामूल पर ना आ सके। बैरूने मुल्क फंसे कैनेडियन वतन वापस आने के मुंतजर। मुसाफरों ने एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज की शहरियों से खून के अतियात जमा कराने की अपील। मौसम सरमा के तूफानों और बीमारियों के मुसलसल खतरात के सबब खून के अतियात कम जमा हो रहे हैं। अतिया दहंदगान की मौजूदा तादाद एक दहाई में कम तरीन हो गई है। कनाडा में बेघर अफराद की सरकारी तादाद असल तादाद में कम बताई जाती है। माहरीन का कहना है कि बेघर होना एक तेजी से नजर आने वाला इंसानी बहरान है। बहरान के जवाब में मजीद मुत्तहिद और फौरी तावुन की जरूरत है। अमेरिका में बर्फबारी की शिद्दत में कमी आने लगी। बम साइक्लोन के 22 अम्बाद की तादाद 70 तक जा पहुंची। 1,20,000 से जायद घरों को बिजली की फरामी मौतल। G7 ममालिक को रूस पर रूसी तेल की कीमत मुकर्रर करना महंगा पड़ गया। PO3 की रूसी तेल की कीमतें मुकर्रर करने वाले ममालिक पर तेल बरामद की पाबंदी। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि यूक्रेन मुतालबात पूरे करे वरना रूसी फौज फैसला करेगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बाद फ्लाइट्स ऑपरेशन ताहाल मामूल पर ना आ सके। परवाज में ताखिर की वजह से दूसरे ममालिक में फंसे हुए कैनेडियन वतन वापसी के मुंतजर हैं। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बाद फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मामूल पर ना आ सके। परवाज में ताखिर की वजह से दूसरे ममालिक में फंसे हुए कैनेडियन अभी तक नहीं जानते कि वो कब वतन वापस आ सकेंगे। मकामी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको और क्यूबा में फंसे हुए एक दर्जन से ज्यादा लोगों को एक जैसी मायूसियों का सामना है। कनाडा वापस आने के ख्वाहिशमंद मुसाफरों का कहना है कि हर रोज हमें अपना बैग पैक करना पड़ता है, अपने होटल से चेकआउट करना पड़ता है और लॉबी में हमें हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए शटल का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हर रोज ये मनसूख हो जाता है। एक ईमेल बयान में सन विंग ने कहा कि उसने इस हफ्ते अब तक 2 बहाली की परवाजें मुकम्मल की हैं। हमने मजीद 8 बहाली परवाजों का मंसूबा बनाया है जो 30 दिसंबर तक रवाना होने वाली हैं और इसमें शामिल हैं, और फिलहाल मंजिल पर अपने बाकी परवाजों की बहाली के मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। मुसाफरों का कहना है कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। मालूमात ना होने की वजह से वो बहुत परेशान हैं। जिनके पास वसाइल हैं वो बाहर निकल सकते हैं और हुकूमत की भी यही तजवीज़ थी, लेकिन जिनके पास ये नहीं वो इंतज़ार के खेल में फंसे हुए हैं। एक ईमेल बयान में निजी एयरलाइन के एक तर्जुमान ने कहा कि वजारत ट्रांसपोर्ट हवाई अड्डों पर सूरत हाल को बहुत करीब से मॉनिटर कर रही है। ट्रांसपोर्ट कनाडा और हमारा दफ्तर दोनों एयरलाइंस और हवाई अड्डों के साथ बाकायदगी से रबते में हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उनके पास मुसाफरों को महफूज तरीके से मुंतकिल करने के लिए जो ज़रूरत है वो मौजूद है। मुसाफरों और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है।
कैनेडियन ब्लड सर्विसेज लोगों पर जोर दे रही है कि वो खून का अतिया देने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराएं या अपनी खून अतिया करने की मौजूदा अपॉइंटमेंट को बरकरार रखें। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज लोगों पर जोर दे रही है कि वो खून का अतिया देने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराएं या अपनी खून अतिया करने की मौजूदा अपॉइंटमेंट को बरकरार रखें। गैर मुनाफा बख्श इदारे का कहना है कि ये मुल्क भर में इंतहाई मौसमी हालात की बुनियाद पर साल के इस वक्त के लिए खून और प्लाज्मा के अतियात तवक्को से 10% कम है। तंजीम ने एक न्यूज रिलीज में कहा, मौसम सरमा के तूफानों और बीमारी के मुसलसल खतरात जमा होने पर मजीद असरअंदाज हो सकते हैं। ये खास तौर पर तशवीशनाक है। इसका कहना है कि खराब मौसमी हालात के नतीजे में सदमे के वाकयात में इजाफा, खून की तलब में इजाफा हो सकता है। अक्टूबर से लेकर अब तक मुल्क भर में इन्वेंट्री में 35% से जायद की कमी आई है। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज का कहना है कि वो इस हफ्ते और नए साल में मामूल के औकात में काम कर रही है। लोगों को खास तौर पर नए अतिया दहंदेगान को खून के अतिया देने की ताकीद कर रही है। खास तौर पर कैनेडियन ब्लड सर्विसेज उन लोगों पर जोर दे रही है जिनको ओ नेगेटिव खून का अतिया दिया जाए, क्योंकि उनके खून की किस्म आलमगीर है और इसलिए इसे किसी भी मरीज पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कैंसर के इलाज से गुजरने वाले मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की भी अशद जरूरत है। अतिया दहंदगान की तादाद अब एक दहाई में सबसे छोटी है और जब मरीजों की जरूरियात पूरी हो रही हैं, एजेंसी ने खबरदार किया, ये पायदार नहीं है। प्रेस रिलीज में कहा गया, मरीज की जरूरियात को पूरा करने के लिए खून या प्लाज्मा का अतिया देना एक और तरीका है कि हम दूसरों की मदद के लिए अपना हिस्सा दे सकते हैं। कैनेडा में माहिरीन का कहना है कि बेघर होने वालों के हकीकी पैमाने को सरकारी तखमीनों में इंतहाई कम शुमार किया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडा में माहिरीन का कहना है कि बेघर होने के हकीकी पैमाने को सरकारी तखमीनों में इंतहाई कम शुमार किया जा रहा है, जिसकी वजह से बेघर लोगों की मदद के लिए बनाए गए प्रोग्रामों की दायमी कम फंडिंग होती है। मुल्क भर में बेघर अफराद के ताज़ा तरीन आदाद शुमार 2016 के कैनेडियन ऑब्जर्वेटरी ऑन होम लेंसेस रिपोर्ट में है, जिसमें बताया गया है कि कनाडा में 2,50,000 से ज्यादा लोग किसी भी साल में बेघर होने का तजर्बा करते हैं। 2018 की वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में किसी भी रात 25,000 से 30,000 लोगों के पास ऐसी जगह नहीं है जिसे वो घर कह सके, लेकिन ये तादाद पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि बेघर होने का सामना करने वाले हर फर्द को शुमार नहीं किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि बेघर होना एक तेजी से नजर आने वाला इंसानी बहरान है और आसान हल ने कई दहाइयों से पॉलिसी साजों की मुखालफत की है। हमें इस बहरान के जवाब में मजीद मुतहद और फौरी तआवुन की जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि बहुत से लोग हैं जो बेघर होने के खतरे में हैं। उन्होंने कहा, अगर हम उनकी बेहतर शनाख्त करें, खास तौर पर तालीमी काम के जरिए और फिर कम्युनिटी के रहनुमाओं के साथ और रियासती और विफाकी सतह पर शराकत दारी करें, तो शायद हम आगे बढ़ने वाले मसाइब को रोक सकते हैं। अमरीका में बर्फबारी के तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी। मौसम सरमा के बदतरीन तूफान बम साइक्लोन के बाइस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 70 के करीब जा पहुंची है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीका में बर्फबारी के तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी। मौसम सरमा के बदतरीन तूफान बम साइक्लोन के बाइस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 70 के करीब जा पहुंची है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक बर्फबारी की वजह से ज्यादा मुतासर होने वाले मगरबी न्यूयॉर्क की सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोल करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट्स पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई है। गुज़िश्ता रोज़ बर्फबारी की वजह से अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3,000 परवाजें मनसूख हुई थी। हालिया दिनों में अमरीका में मनसूख परवाजों की तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई है। अमरीका में बम साइक्लोन नामी सर तूफान की तबाहकारियां जारी हैं, जिसके नतीजे में अब तक 70 के करीब अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 1,20,000 से ज़ायद घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियासत न्यूयॉर्क की एरी और नियाग्रा काउंटीज़ में 34 अमवात रिपोर्ट हुई थी। बुफैलो में 30 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जबकि लोगों को सड़कों से दूर रखने के लिए मिलिट्री पुलिस को तलब किया गया है। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मगरबी इलाकों में आज मजीद बर्फबारी मुतवक्के है। सदर पुतिन ने रूसी तेल की कीमतों की हद मुकर्रर करने वाले मगरबी ममालिक को तेल बरामद करने पर पाबंदी लगाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
सदर प्यूतन ने रूसी तेल की कीमतों की हद मुकर्रर करने वाले मगरबी ममालिक को तेल बरामद करने पर पाबंदी लगाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जबकि रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन को रूस के मुतालबात पूरे करने होंगे वरना रूसी फौज इस जंग का फैसला करेगी। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने यूक्रेन को 4 मकबूजा इलाकों से मुतालिक अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमारी तजावीज़ पर अमल नहीं किया गया तो सख्त रद्द अमल देंगे। वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने यह भी कहा कि अब गेंद अमरीका और यूक्रेन के कोर्ट में है, जो लुहानसिक, डोनेस्क, ज़ापोरिज़्या और खेरसून में फजूल मज़ाहमत को रोकेंगे। सरगेई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को फौज से आज़ाद करने, वहाँ से रूस की सलामती को दरपेश खतरात के खात्मे की हमारी तजावीज़ का दुश्मन को अच्छी तरह इल्म है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का एक मुतालबा ये भी है कि यूक्रेन उसके ज़ेर कब्ज़ा इलाके में हथियार डाल दे और कीव मुल्क के 5वें हिस्से पर उसकी फतह को तस्लीम करे। रूसी वजीर खारजा ने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूक्रेन और अमरीका जान लें कि बहुत देर हो जाएगी और रूस अपनी सलामती की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएगा। दूसरी जानब सदर प्यूतन के हुक्मनामे के मुताबिक वो ममालिक जो रूसी तेल की कीमतों की हद मुकर्रर करेंगे उनको रूसी खाम तेल और रूसी तेल की मसनूआत बरामद नहीं की जाएंगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि ऐसे ममालिक को रूसी तेल की बरामदात पर पाबंदी 1 फरवरी से नाफजल अमल होगी और 1 जुलाई तक जारी रहेगी। वाजह रहे कि यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ रवाहमा यूरोपीय यूनियन आलमी ताकतों के ग्रुप 7 और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल की कीमतें $60 फी बैरल मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया था। रूस के अमीर तरीन सियासतदान और यूक्रेन जंग के मुबैना नाकिद पावेल एंटोनोव भारत के होटल में मुर्दा पाए गए थे। उनकी पुरअसरार मौत की तहकीकात शुरू हो गई। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।